नान से आगाज़ किया, नान बेचने का कारोबार था, अब तो स्टेटस भी है, आप बड़े लेवल पे भी बैठे हैं, तो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं क्रिएट होता? फनकार बड़ा हसास होता है कि कोई शर्म आती हो। नहीं नहीं, इसमें शर्म वाली बात ही कोई नहीं। जब आप अपनी हकीकत को झुठलाते हो तो आप हकीकत से हट जाते हो। जो लोग हकीकत से हट जाते हैं वो जाली लोग होते हैं, और जाली चीज़ जो है वो किसी को भी पसंद नहीं होती, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो हर बंदे को इंसानियत में रहना चाहिए, अपने असल में रहना चाहिए। असल बताने में कोई इतनी बुरी बात नहीं है, बल्कि इससे आपका रिगार्ड होता है, इज्जत होती है, बल्कि दूसरे लोगों को हौसला मिलता है। दूसरे लोग भी वैसा करने में फिर हिचकिचाहट महसूस नहीं करते, शर्म महसूस नहीं करते जब आप बताते हो। इसके अब बताने का मतलब ये होता है कि बाकी लोग भी इससे सीखें। अरे ये बताइए कि ये अपने थिएटर का आगाज़ जो है वो कहाँ से हुआ? क्या घर में, फैमिली में पहले कोई था इस तरह? नहीं, पूरे खानदान में कोई नहीं था, और फैसलाबाद से मैंने इसका आगाज़ किया था। मेरे दोस्तों ने मिलकर एक काम शुरू किया था, मकसूद साहब थे, उन्होंने तो उनके साथ ही किया था, फिर उसके बाद फिर चल सो चल अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी बताइए कि जब आपने आगाज़ किया तो उस वक्त का रिस्पांस कैसा था, और आज का नसीम विक्की तो नो डाउट पूरी दुनिया में। उस वक्त जब हम नए आते हैं, जब हम काम कर रहे होते हैं, उस वक्त होता यह कि आपको कुछ पता नहीं होता कि आपके साथ क्या होने वाला है। आपको आगे पीछे का नहीं पता होता, आपको हिट होने का पता नहीं होता, आपको फ्लाप होने का नहीं पता होता। फ्लाप होने का ज़रूर दिमाग में चल रहा होता है, क्योंकि फ्लाप तो वो होता ना जो हिट हो, जो हिट हो। अभी उस वक्त आपके पास कोई ऐसे मतलब पैमाना है ही नहीं, तो ऐसा सच सोच नहीं होती, बंदा सिर्फ जोर लगा रहा होता है। अरे विक्की साहब, कभी उस टाइम पे ये ख्याल पैदा हुआ दिल में कि नसीम विक्की इतनी बड़ी शख्सियत का हामिल हो सकता है? क्या बचपन में कभी ऐसी सोच भी आई, कभी ख्वाब भी देखा था कि इतना बड़ा आर्टिस्ट? नहीं, शख्सियत तो खैर मैं अभी भी अपने आप को नहीं समझता, ना मैं कभी ये सोचता था। मैं तो जब काम करता हूँ इस नीयत से करता हूँ कि जो कर रहा हूँ इसमें अल्लाह बरकत डाल दे, लोगों की मोहब्बत शामिल हाल हो जाए, तो फिर अगली रात, अगला दिन, अगला घंटा, अगला मिनट जो है ना वो फिर नया होता है। ये आर्जी कहाँ से आई नसीम विक्की में? क्योंकि इस वक्त घर भी है, बंगला भी है, गाड़ियाँ भी हैं, शोहरत भी है, लेकिन वो एलिमेंट नहीं है तकब्बुर वाला। आपसे कल भी हमने टाइम लिया, आज आपने प्रोग्राम का टाइम दे दिया, मतलब ये इतनी आर्जी कैसे डिवेलप? तकब्बर किस चीज़ का करना है? तकब्बर तो उसको करना चाहिए ना जो मुस्तकिल रहे, जिसको मौत ना आनी हो, जिसके पास सब कुछ रहना हो, जिसकी ज़िंदगी में अतराव ना आता हो, सिर्फ चढ़ाव ही हो, चढ़ाव हो। तकब्बर तो उसको होना चाहिए, तो वो सिर्फ एक ही ज़ात है, रब की ज़ात है, जिसके कब्ज़े में सबकी जान है, जिसने सबको बनाया है, सांसें देने वाला, दुनिया को चलाने वाला, और उसके बाद खाना पीना, हवा पानी, मतलब जो कुछ भी कायनात में चीज़ हरकत कर रही है उसी की रज़ा से कर रही है, और उसी के कुन कहने से कर रही है, तो फिर तकब्बर तो उसी को सूट करता है, बंदे को तो नहीं करता। अच्छा, हम अक्सर अमूमन फनकारों का इंटरव्यू लेते हैं तो उनका इस बारे में ये गुमान होता है कि जो सीनियर फनकार हैं ये जगह छोड़ें तो हमें जगह मिले, तो आपका इस हवाले से क्या कहना है? बहुत सारे लोगों का ये भी गुमान है कि नसीम विक्की जगह छोड़े तो हम उस जगह तक पहुँचें, क्या समझते हैं इस हवाले से, क्या कहेंगे? वो एक फिल्म के अंदर नाना पाटेकर एक डाकुओं का पीछा कर रहे होते हैं, तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तो वो डाकू को गोली मारने लगते हैं, तो एकदम बच्चा आगे आ जाता है, वो गोली रोक लेता है। अब इसमें डायरेक्टर ने दो सबक दिए, एक तो ये कि गली मोहल्लों में जब गली बच्चे क्रिकेट खेलते हैं ना, कोई हादसा ना हो जाए, उसके लिए ग्राउंड बने, एक तो ये सबक था। दूसरा ये था कि गोली उसने नहीं मारी कि बच्चे को ना लगे, फिर जाके उसको बोलते बच्चे को नाना पाटेकर कि बड़ा होकर क्या बनेगा, वो कहता है टेंडुलकर बनूंगा, तो वो कहते हैं कि बेटा जब वो गवास्कर नहीं बन सका तो तू टेंडुलकर कैसे बन सकता है, दुनिया में आए हो अपनी शिनाख्त बनो, दुनिया में कभी भी किसी ने किसी की जगह नहीं ली, ना ही कोई ले सकता है, हर कोई अपनी अपनी जगह पे कायम है। जब अल्लाह ताला ने बनाने वाले ने एक जैसे चेहरे नहीं बनाए, एक जैसे नसीब नहीं बनाए, तो फिर दुनिया में आके जो इस तरह की बात करता है ना, मैं समझता हूँ कि वो गुनाह करता है, उसको यकीन नहीं है खुदा की ज़ात पर, उसका तकवा नहीं है, उसको आता कुछ नहीं है। जो मेरी जगह लेना चाहता है, मेरी जगह ले भी लोगे, अमानुल्लाह चला गया, मैं तो अमानुल्लाह की जगह पर नहीं आया, उमर शरीफ ने जगह छोड़ दी, मैंने तो नहीं वो जगह ली, कितने बड़े बड़े लोग चले गए, भाई मैंने तो वो जगह नहीं ली, फिर भी मुझे काम ही करना पड़ना है, मुझे खुद को कुछ करके दिखाना पड़ना है, अपने जोरे बाजू पे, अपने दिमाग से जो मुझे अल्लाह ने अता किया है उसका जोर लगा के मुझे काम करना पड़ेगा। जिसने भी ये किसी ने ये बात कही है उसे अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, और उसको कहना चाहिए कि अल्लाह तूने मुझे जहाँ रखा है ना, तूने सही रखा है, तू जहाँ रखेगा फिर भी सही रखेगा।